देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 3 दशक से राजनीतिक संन्यास का वनवास झेल रही कांग्रेस वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की राष्ट्र महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यूपी की राजनीति में खासी सक्रिय नजर आ रही है। 1984 के बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर प्रियंका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का चलते हुए प्रियंका गांधी को पहले पूर्वी यूपी और फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी। प्रियंका का वाराणसी दौरा, प्रियंका का प्लान पूर्वांचल की तरफ उठाया गया कदम है। अपने इस कदम से प्रियंका देश के प्रधान सेवक के गढ़ से प्रदेश के मुखिया को साधने की फिराक में है। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। दिन की बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव पर कांग्रेस की नजर है। यही वजह है कि प्रियंका का सारा फोकस यूपी पर है। तभी तो 7 महीने में प्रियंका 12 बार यूपी आई। अब सवाल उठता है कि क्या प्रियंका यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगी? प्रियंका का दौरा पूर्वांचल पर कितना असर डालेगा? प्रियंका का प्लान पूर्वांचल क्या होगा? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, चर्चा करेंगे इन पर। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री के गढ़ वाराणसी में सियासत एक बार फिर अपने शबाब पर नजर आई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिर सरकार को घेरने के लिए वाराणसी पहुंची। नाव के रास्ते चुनावी समीकरण साधते हुए प्रियंका ने वाराणसी में कदम रखा और यूपी में 3 दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने का रास्ता भी प्रियंका को वाराणसी से ही नजर आया। इस बार सियासत का बहाना CAA और NRC पर हुआ घमासान था और सहारा BHU के छात्र बने। जी, मैं इन बच्चों से मिलने आई थी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो अरेस्ट किए गए थे, डिटेन किए गए थे प्रदर्शन के दौरान। वो एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, 15 दिन उनको जेल में रखा गया है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी बच्ची उनका इंतजार कर रही थी, तो उनके उनसे मिलना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ। उन्होंने मुझे सारी चीजें बातें बताई कि कैसा कैसा हुआ उनके साथ और बहुत अन्याय हुआ है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उठा के जेल में पटक दिया, 15 दिन वहाँ रखा और अलग अलग बहुत सीरियस धाराएं लगाई हैं उन पर। छात्रों के नाम पर प्रियंका ने वाराणसी से सरकार पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ BJP भी वाराणसी के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। संबित पात्रा ने प्रियंका को वाराणसी दौरे के बीच कोटा जाने का चैलेंज दे दिया। एक बार फिर राजस्थान में बच्चों की मौत को सियासी मैदान में खींचने की कोशिश की गई। मैं सवाल पूछता हूं, कोटा कब जाएंगी? कोटा कब जाएंगी? ये जो तथाकथित लिबरल्स हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति कोटा कब जाएगा? प्रियंका गांधी जी, आई आस्क यू डायरेक्टली ऑन द कैमरा, व्हेन विल यू गो टू कोटा? आई गिव यू द कोटा चैलेंज। हम चाहते हैं कि आज आप शाम तक कोटा पहुंचे, एक मृत बच्चे को अपने गोद में। आप भी मां हैं, आप समझ पाएंगी। आप गोद में उठा के बोले कि अशोक गहलोत, मैं तुम्हारा इस्तीफा मांगती हूं, ये आप करके दिखाएं। अभी तक सेक्युलर रास्तों पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेती नजर आ रही है। प्रियंका मंदिरों के रास्ते वोटरों को लुभाने की जद्दोजहद में लगी है। NRC और CAA के सहारे सरकार को घेरा जा रहा है और इस सबके बीच प्रियंका का चुनावी दौरा 2022 में पूर्वांचल पर कितना असर डालता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूर्वांचल में पूरी तरीके से कांग्रेस कैसे अपनी जमीन मजबूत कर सके 2022 मिशन को लेकर, उसके लिए प्रियंका आज गंगा के तट पर रणनीति तय करती नजर आई। अपने सहयोगी महंत के साथ रजू श्रीवास्तव, तो R9 TV बनारस। प्रियंका के वाराणसी दौरे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे के आखिरकार मायने क्या है? क्या प्रियंका कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगी?
क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस की नैया पार लगेगी? प्रियंका का दौरा पूर्वांचल पर कितना असर डालेगा? यूपी में प्रियंका के लगातार दौरों का कितना असर हो पाएगा? क्या कांग्रेस का वोट बैंक लौटा पाएंगी प्रियंका गांधी? ये तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। गेस्ट पैनल से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं मौजूद हैं, तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन कराती हूं अपने गेस्ट पैनलिस्ट से। बीजेपी के लीडर शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर मनोज तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बसपा के लीडर धर्मवीर चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एम यू दुआ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बहुत जल्द संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज जी, आज मौका आप ही को दूंगी, सात महीने में 12 बार यूपी दौरा, क्या लगता है, क्या प्लान है पूर्वांचल का? क्या जो जमीन घट चुकी है, जनाधार घट चुका है, उससे वापस ला पाएंगी प्रियंका गांधी? इतना मतलब भरोसा है प्रियंका गांधी पर? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और एक राष्ट्रीय दल होने के नाते जहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं, निश्चित रूप से सत्ता के बाहर हैं हम, और हम हमारा प्रयास है, अथक प्रयास है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हमारी उर्वरक भूमि रही है और हम काफ़ी दिनों तक वहाँ सत्तासीन रहे। निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियाँ रही होंगी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बहुत लंबे समय से हमें मौका नहीं दिया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में राजनीति में ये इस मौके की तलाश की जाती है, और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो लगातार दौरा हो रहा है, वहाँ की जनता से, आम आदमी से जुड़कर हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हम वहाँ के स्थानीय जनता से जुड़ें, उनकी समस्याओं को समझें और उनकी समस्याओं के लिए सड़क पर संघर्ष करें। ये हमारा नारा है और ये हमारा लक्ष्य भी है, और इस लक्ष्य को वेदने के लिए, इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए प्रियंका जी वहाँ संघर्षरत हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में निश्चित फायदा मिलने वाला है और फायदा मिलेगा। धर्मवीर चौधरी, सुना आपने मनोज जी को, अब प्रियंका गांधी सक्रिय हैं और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखें तो वो जोश देखने को मिल रहा है, सबको ऐसा लग रहा है तुरप का इक्का चला है कांग्रेस ने, तो बसपा और सपा के लिए तो खतरे की घंटी है सर। श्वेता जी, ये एक जनमानस में प्रचलित है कि इंसान अपने अंतिम समय पर खाट पे आ जाता है और खाट से फिर वो घाट पे जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 60 साल के कुशासन का अंतिम संस्कार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनता कर चुकी है, और ये कांग्रेस की 60 वर्षों की जो योजनाएं थीं, ये हाथ जो खूनी पंजा के रूप में इन्होंने दलितों का, माइनॉरिटीज का, ओबीसी का जो खून चूसा, जो उनको इस विकास की मुख्यधारा से दूर किया, ये उसका परिणाम है कि आज इन लोगों ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक खाट बिछाने लायक जमीन तक नहीं दी है। और ये लोग वो लोग हैं कि जहां पर 100-100 मौतें होंगी, उन माओं के आंसू पहुंचने के लिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी नहीं जाएंगी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जाएंगी, कभी खाट यात्रा के रूप में, कभी घाट यात्रा के रूप में। तो ये वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति प्रियंका वाड्रा कर रही हैं, ये पूरा देश और पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, और इनको समय समय पर प्रदेश की जनता ने अपने वोट के माध्यम से, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, और बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में ये कहा था कि इस कांग्रेस के कभी चार आने के मेंबर मत बनना, तो ये कभी दलित समाज के लोगों से, कभी छोटे मोटे बड़े नेताओं से ये मिलती हैं प्रियंका जी, लेकिन इनको कोई वोट मिलने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है श्वेता जी। और आज इनकी जो नीतियां हैं वो ऐसी नीतियां थी जो ये फिरकाप्रस्त ताकतों को सत्ता मिली, और ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए हैं, एक बार उनका और दूसरी बार उनका, ये इनकी नूरा कुश्ती का खेल पूरा देश देख रहा है। वो कहते हैं हमको इसके वोट चाहिए, वो कहते हैं हमको इसके वोट चाहिए, ये संवैधानिक पार्टियां नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी इस देश की जनता के लिए एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है। प्रेम कुमार जी, सुना आपने धर्मवीर जी का, मैंने पूछा खतरे की घंटी है उस पर नहीं बोला, बाकी सारी बातें कह दी, खाट पे गई, खाट के बाद मर गई, अब फिर से उसे घाट पे जानी, तो घाट से लेकर राजपाट तक की ही तो तैयारी हो रही है प्रियंका गांधी की, तरीका तो वही है जो प्रधानमंत्री मोदी का था, तो कहीं ना कहीं बुआ बबुआ को अब डर सताने लगा है कि भाई बहन की जोड़ी कहीं कमाल ना कर जाए। देखिए, अभी
बीएसपी सपोर्ट करे कांग्रेस को, ये तो संभव नहीं है। राजनीतिक विरोध है तो उनके कार्यक्रमों से वो डिटैचमेंट दिखलाएंगी ही, लेकिन दलित वोट तो बट जाएगा ना सर? वो तो बटा हुआ है। कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है उत्तर प्रदेश में? खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो भी है वो पाने के लिए है। तो आप देखेंगे कि मैं कंपेयर करूंगा झारखंड से, देखिए, लेकिन 2018 के आसपास में हेमंत सोरेन ने बहुत गंभीरता के साथ में वहाँ एक टीम बना करके जो काम शुरू किया था कि सत्ता में हम कैसे रिवाइवल करेंगे, तो उसके परिणाम उनको वहाँ लोकसभा चुनाव में नहीं मिले। लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ले गई, लेकिन वो मेहनत जो लगातार उन्होंने जारी रखी उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी 2018 से तो नहीं, लगभग 2019 के शुरुआती दौर से, चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले से वो सक्रिय हैं और कांग्रेस के लिए वो सारे काम कर रही हैं जो किसी पार्टी को करना चाहिए। अरे सोनभद्र में समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं जाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं जाना चाहिए, या बीजेपी को क्यों नहीं जाना चाहिए, या उसी तरीके से दूसरी जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए, वो पीड़ितों के घर में जाना, छात्रों के घर में जाना जिनको चोट लगी, जो हिरासत में लिए गए, ये राजनीति जो है हमें नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के अलावा इस देश में अभी कोई कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, उस कमी को वो फुलफिल कर रही। परिणाम छोड़ दीजिए, राजनीतिक फायदा कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो जो काम कर रही है वो काम बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में ये काम होना चाहिए, ये वोट बैंक से ऊपर उठ करके होना चाहिए। आज लोग देखते हैं कि जिनको चोट लगी वो किस धर्म का है और किस जाति का है, उसके हिसाब से लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं। अरे ऐसे पीड़ितों के घर में तो हर राजनीतिक दल को जाना चाहिए, हर नेता को जाना चाहिए, क्या शिकायत है इस बात में? दुआ सर, जो बात प्रेम जी कह रहे हैं, हालांकि चलिए कितना इत्तफाक रखते हैं, नहीं एक सवाल भी है साथ में, क्योंकि अगर कह रहे हैं सर कि सभी को ऊपर उठ के राजनीति के स्तर से ये नहीं देखना चाहिए किसे चोट लगी किसे नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सभी पार्टी को करना चाहिए, तो कोटा चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए? श्वेता जी, सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, चाहे वो कोई भी एनकेन प्रकार से वो जमना चाहती है। दूसरी तरफ जिनकी ज़मीन बन गई है वो अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, और जो बीएसपी या छोटी और पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां हैं, वो जो है बंदरबाट में रोटी को छीनने की तलाश में है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है, एक नई क्रांति, एक नया विकल्प की तरफ बढ़ चुकी है, और अब जो भी इलेक्शन होगा, चाहे 20 का हो चाहे 22 का हो, अब जो है जनता इन तमाम राजनीतियों को सबक सिखाएगी और एक नया आईना दिखाएगी, एक नया विकल्प आएगा, ये मेरा मानना है। और इन्हें जो आज ये कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ किया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इन्होंने जो 70-72 साल में नहीं किया, इन्होंने 5-6 साल में नहीं किया, दूसरे लोगों को भी खूब मौका मिला, 5 साल 15 साल मिला, इन लोगों ने नहीं किया, और जनता अब समझ गई है, इन्हें सबक देगी। विश्वेंद्र जी, क्या लगता है कांग्रेस का सक्रिय होना, प्रियंका का खासकर सक्रिय होना यूपी में किसको किसको नुकसान पहुंचाएगा? निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का मजबूत होना है, कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनको ज़्यादा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी को भी इससे नुकसान निश्चित होगा, ये संभावना इसलिए है क्योंकि जो कुछ वोट बैंक दलित है वो बसपा का है, तो ट्रांसफर बसपा की तरफ गया हुआ है, जो पहले कांग्रेस के पास था। सपा के पास जो कुछ वोट बैंक है, मैं वहाँ यहाँ मुस्लिमों का या दूसरे वोट भी है, जो पहले जनाधार था तो आप वापस लाने के लिए प्रियंका गांधी एक नया चेहरा है, अच्छा चेहरा देश में मानते हैं, इसलिए उन्होंने शुरुआत की, कांग्रेस ने मजबूत शुरुआत भी मानती है, तो उनको खतरा होगा, तीनों पार्टी को इसमें दो राय नहीं है। और खास बात, बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, बड़े प्रदेश में एंट्री करके उस प्रदेश को अपने पास लाने के प्रयास जो है, उसे एक देश में बड़ा मैसेज देने का प्रयास है प्रियंका गांधी का। शिवम, क्या लगता है? आपने सुना धर्मवीर जी ने भी कहा कि ये सब नाटक है, नौटंकी है, और कोटा का जिक्र भी कर दिया, अभी तो संबित पात्रा कह रहे थे कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं, बीजेपी और बसपा साथ हो गई, डर है प्रियंका गांधी का, कोटा तो नहीं, डर है प्रियंका गांधी का, अरे उन्हें तो भार यूपी का दिया गया है, तो वो यूपी के मैटर देखेंगी, कोटा क्यों जाएं? प्रभार है सरकार, प्रभार गांधी जी है ना, राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभार तो यूपी का उनको मिला है ना, अब यूपी में अगर यूपी और राजस्थान के बच्चे भारत देश के ही बच्चे हैं, वो कोई विदेशी नहीं है,
प्रभार यूपी का दिया गया है, लेकिन दिल्ली में भी जाते हैं ना। मायावती गई थी, मायावती को भी तो जाने के लिए कहा था धर्मवीर जी, मौका दिया है तो चलिए। हाँ शिवम, नहीं क्योंकि धर्मवीर जी ने कहा तो मैंने देखिए, वो उत्तर प्रदेश का प्रभार उनको मिला इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई उसे भी देखने गई वो, लेकिन वहां पर भी उन्होंने क्या किया, जब एबीवीपी के छात्रों ने उनसे आकर कहा कि हमें चोटें लगी हैं एक बार हमें भी देख लीजिए, तो वो फोन छटक कर दूसरी तरफ चली गई। एजेंडा सिर्फ कोटा नहीं है या फिर एजेंडा सिर्फ जेएनयू नहीं है। मैं कहता हूं जब भी आप कहीं जाते हैं और अगर आप पीड़ितों के पास जाते हैं तो पीड़ितों में एबीवीपी और आप ये जेएनयू एसयू ये सब मत देखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कोटा को भी देखिए। सभी का ये कहना और मानना है कि आप एक पहली चीज आप गांधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, दूसरी चीज आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तीसरी चीज आप उत्तर प्रदेश को देखकर फोकस कर ही सब कुछ कर रही हैं। उसके अलावा अगर कहीं आप जाते भी हैं तो सिर्फ उन छात्रों से मिलते हैं जिन छात्रों से मिलने के बाद आपको शायद लगता है या तो लाभ है या फिर बाकी जो छात्र हैं उनसे आपको मिलना जरूरी ही नहीं लगता। इलेक्शंस के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारी करती है, राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो और क्या करेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा कि प्रेम जी ने मानवीय कारण गिनाए कि ये अच्छा है कि पीड़ितों के घर जाना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए, मैं कहता हूं पीड़ित तो एबीवीपी के भी थे, किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का सर फूटा हुआ था, जैसे ही वो उनसे मिलने गए उन्होंने उनको मना कर दिया, दूर कर दिया और उनकी सिक्योरिटी ने उनको पीछे धकेल दिया और वो आगे चले गए। पीड़ित मतलब पीड़ित, उसके ऊपर एबीवीपी नहीं लिखा हुआ है माथे पे या जेएनयू एसयू नहीं लिखा हुआ है। आप लोगों को जो चुन चुन कर उनके घर जा रहे हैं या पीड़ितों से मिल रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक है। एक चीज रही बात राजनीति की कि क्या नुकसान और क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा, भारतीय जनता पार्टी को तब नुकसान नहीं हुआ जब इसी प्रदेश में बुआ बबुआ की साथ मिलकर लड़े, जब भी परेशानी नहीं हुई जब यूपी को ये साथ पसंद है जो दो युवाओं का मेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी पहले भी उसी स्टाइल में लड़ती थी, आज ही उसी तरीके से जनता के बीच में है। हमारी अभी सरकार 2022 तक है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार का एकमात्र एजेंडा है 22 करोड़ जनता का जन कल्याण। 2022 में जब हम चुनाव में जाएंगे जो पुराना बहुमत था 2017 का उससे बेहतर बहुमत के साथ आएंगे, जिसको जो एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करें, उनका वो हक है। लेकिन क्या त्यागी जी, मैं जेएनयू का एक स्टूडेंट छात्र रहा हूं, 1987 में मैंने जेएनयू छोड़ा, उसी वक्त मैंने आईएएस एलाइट छोड़ा था जी। मैं जो जेएनयू मेरा 1987 में इतना शान था जी, उसको राजनीतिकरण ने आज जो है बीजेपी का जो सरकार है जी, वो जो है जात और धर्म को लेकर के, छात्र जो छात्र होता है चाहे वो पुलिस का बंदा हो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, बिल्कुल, लेकिन आज छात्र को भी जात और धर्म में बांट दिया गया और उसको एक एक जो है अखाड़ा बना दिया गया। जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो जेएनयू के अंदर हमारी हमारी जो लड़कियां छात्र हैं उनके प्राइवेट पार्ट पे डंडे मारे जा रहे हैं, ये कहां का न्याय है? देखिए, और उसको कहा जाता है, उसका रूप दिया जाता है, पीछे से पुलिस जाती है और सामने दिखाया जा रहा है बाइट है, और दूसरा कहता है जी मुझे मारा। मैं जवाब दे दूं, अगर आप जवाब अगर जवाब आप सुने तो मैं जवाब दे, कांग्रेस मुझे चिल्लाना पड़ेगा कोई उसका लाभ नहीं, अब जवाब तो ले लीजिए ना, अब जवाब तो ले लीजिए, कांग्रेस जमीन तलाश कर रही है, लेकिन सिर्फ जो मारा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है जो आज एफआईआर हुई है। आयशी घोष के अलावा 8 लोगों को पर एफआईआर हुई है जो नकाबपोशों को लेकर पेरियार हॉस्टल में अंदर गए, उसमें भी लेकिन आप जो स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं, आप जो स्टूडेंट्स को फॉर्म नहीं भरने दे रहे, रोक रहा है सेमेस्टर की, देखा नहीं आपने, आपके तारीख से, एक तारीख से लेफ्ट के जितने भी संगठन है आपका आयशा से लेके एसएफआई से लेके वो सारे संगठन से भटक रहे को रोक रहे हैं, गया सर्वर रूम के तार काट दिए गए, कंप्यूटर रूम में दे दिया, आपको अधिकार है धरना करने का, लेकिन दूसरे छात्रों को पढ़ने नहीं देंगे क्या? आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा ये नहीं है, पढ़ने देंगे डॉक्टर दुआ, देखो नेट काटा जा रहा है, डॉक्टर दुआ जो सत्ता में वो कर रहे हैं, डॉक्टर दुआ प्लीज प्लीज अब रोक प्लीज प्लीज आज जेएनयू मुद्दा डॉक्टर दुआ प्लीज
प्लीज आप जेएनयू मुद्दा नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बना रखा है। आप कह रहे हैं बांट रहे कोटा हो, मुझे लग रहा है बांटना तो बांट का दो पार्टीज रही है जो वहां पर जा रही है। स्टिक टू द टॉपिक, पार्टी ने पॉलिटिकल टू द टॉपिक जो आज का मुद्दा है उसको बात कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बात रही, डॉक्टर धुआ प्लीज, डॉक्टर धुआ ऐसे मैं अलाउ नहीं करूंगी। आज का टॉपिक अगर कोई है सर तो स्टिक कीजिए ना। हम जेएनयू डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर, जेएनयू क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर? तो नहीं हम आज 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 प्रियंका के दौरे की बात कर रहे हैं और फिर ये मीडिया पे आरोप लग जाएगा। नहीं जमीन तलाश नहीं जमीन, हाँ तो अच्छी बात है ना सर, इसी पे बात कर लेना। उन्होंने हमारे एक साथी ने कहा कि भैया पहले आप बन जाओ फिर हम बन जाए, तो हो सकता है कि आने वाले 24 में जो है प्रियंका को प्राइम मिनिस्टर घोषित करे। चलिए सर, वो तो वक्त बताएगा ना। प्रेम कुमार, जिस तरीके से अभी शिवम त्यागी कह रहे थे, आपके सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन साथ ही साथ एक कोट भी किया उन्होंने, गांधी परिवार के सदस्य, क्या अब यही बचा है वंशवाद का ही आरोप लगाकर जिस तरह से यूपी में जो सक्रिय हैं प्रियंका, उसे कहीं ना कहीं धूमिल करने की फिर से कोशिश की जाएगी कि फिर से वही गांधी परिवार की सदस्य? देखिए, जब प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में या राजनीतिक फील्ड में उतरती हैं या उतरेंगी तो हर समय उनको ये आरोप तो फेस करने होंगे। एक तो जो कांग्रेस पार्टी चूंकि बहुत लंबे समय से देश की राजनीति में है, आज़ादी से पहले से है, तो उस कांग्रेस पार्टी के साथ अगर कुछ पॉजिटिव बातें हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, तो उन नेगेटिव बातों को कौन फेस करेगा? वो प्रियंका गांधी को फेस करना पड़ेगा। जो वंशवाद का सवाल है वो सवाल भी उनको फेस करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकती। तो ये सवाल उठेंगे, आप इसको नकार नहीं सकते और शिवम जी उठाए हैं, उठाते रहेंगे, ये सवाल उठेंगे। लेकिन सबको दरकिनार करके काम करते, मूल बात है कि इसके बीच भी अगर वो सकारात्मकता पैदा करने में कामयाब रहती हैं, अपनी पार्टी को रिवाइव कर पाती हैं, मुद्दों से जोड़ पाती हैं, जो कट चुकी है उत्तर प्रदेश में लंबे समय से, 90 के बाद से कांग्रेस की तो वापसी नहीं हुई है ना। आप देखिए, बीजेपी सरकार में रही मायावती जी के साथ मिलकर के, समाजवादी पार्टी सरकार में रही, लेकिन कांग्रेस का तो कहीं नहीं रहा, कांग्रेस सत्ता में नहीं रही 89 तो, के बाद लगातार वो नहीं जनता को तो क्या अब, मिल रहा है ये तो बताइए। अब एक बात ये है कि अगर यूपी में प्रियंका गांधी किसी तरीके से कांग्रेस को ऊपर ले आती हैं, कुछ भी कंसोलिडेट करा लेती हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो अभी राजनीतिक पद्धति पैटर्न को देखें तो पैटर्न क्या है, पूरे तरीके से राज्य पर कब्जा नहीं करना बल्कि कुछ हिस्सेदारी सत्ता में कैसे ली जाए, ये इसका पैटर्न है। अब महाराष्ट्र में भी वो तो पैटर्न दिख रहा है, झारखंड में भी दिख रहा है। यही वजह है कि पूर्वांचल को पहले टारगेट किया जा रहा है, गढ़ है इसमें, गोरखपुर भी आता है, बनारस भी आता है, कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री के गढ़ से और प्रदेश के मुखिया को चैलेंज करने की बात। देखिए, इसको हम जोड़ेंगे वो पीके ने जो फॉर्मूला दिया था कि शीला दीक्षित जी को सामने रख के चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन उसके बाद वो उस फॉर्मूले से अचानक हट करके पार्टी ने अखिलेश यादव जी के साथ तालमेल किया और उसका दुष्परिणाम पार्टी ने झेला। उसी पीके वाले फॉर्मूले पर चलती पार्टी दिख रही है, जहां पर कि ब्राह्मण वर्ग का पार्टी से लंबा लगाव रहा है, जिसको प्रियंका गांधी कंसोलिडेट कर सकती है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, जो देखिए वाराणसी में समुद्र ये नदी के रास्ते से जाने का मतलब ही है, जो तटीय इलाका है सारे निषाद जाति से जुड़े हुए लोग या जो बीसी से आते हैं वो जुड़े हुए तबका, जो कि कभी कांग्रेस का वोट बैंक डर लग रहा है, उन सबको वो इसीलिए डरी हुई जोड़ सकती हैं। तो ये उनकी जी क्या सवाल रहा, शायद इसीलिए बसपा और सपा डरी हुई है कि धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है, सभी पार्टियां तो राजनीति करती है, फिर अगर कांग्रेस कर रही है तो कौन सी बुरी। प्रभुत्व की लड़ाई तो होगी, जब बीएसपी सक्रिय होती है तो कांग्रेस को बेचैनी होती है, होगी तो, या समाजवादी पार्टी जब सक्रिय होती है तो भी कांग्रेस को होती, होता क्या है देखिए, या इस प्रदेश की राजनीति में जिसने भी बीसी पर ओबीसी पर अगर कब्जा कर लिया और बीजेपी को चुनौती देने वाली स्थिति में जो पार्टी आ जाती है तो उसके साथ मुस्लिम वोट भी क्लब हो जाता है, तो वो अचानक मजबूत हो जाती है। तो ये देखिए एसपी बीएसपी के बीच में मुस्लिम वोट को लेकर के ये राजनीति होती है, कांग्रेस के लिए भी होती है। तो बात यह कि कांग्रेस अगर ब्राह्मण प्लस बैकवर्ड अगर जोड़ लेती है, कुछ अपनी मजबूती उपस्थिति से दिखला पाती है, तो उसको भी उम्मीद होगी कि मुस्लिम वोट भी उनके साथ जुड़ जाएगी, तो वो पोजीशन जो खो चुकी है, वो आधार जो पार्टी खो चुकी है वो हासिल कर सकती है। बनारस देखिए, बनारस में अभी छात्र संघ चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, मुलाकात देश में नहीं चलेगा, लोग समझ गया है जात और धर्म के नाम पे
अब वोट जो राजनीतिक हो चुका वो हो चुका, अब नहीं होगा ये देश। लेकिन विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव थोड़ा डिफरेंट होता है सर, हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा और हमने विधानसभा चुनाव में देखे, हर जगह चीजें अलग हुई सर। हरियाणा का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, झारखंड का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, तय हो रही है अभी आ रही है दिल्ली का, आपको देख लीजिएगा कि आपको जाधन पे कर लीजिए राजनीतिक। दिल्ली एक सर यूनिक केस हो सकता है क्योंकि देखिए ज्यादातर जो वर्ग के लोग होते हैं, आम आदमी पार्टी यूं ही सत्ता में नहीं आती, लेकिन अभी भी विधानसभा के चुनाव में ये मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए देखने को मिलते हैं, नहीं तो धर्मवीर चौधरी इतने बौखलाए नहीं होते और वो भी कोटा का जिक्र ना कर रहे होते। प्रियंका गांधी ने तो कहा था धर्मवीर जी कि मायावती कब जाएंगे, और मैंने पूछा था आपके ही दल के एक नेता बैठे थे उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जी मैं बात करूंगा, आज तक जवाब नहीं आया कि कब जाएंगे। नहीं, जो गए वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया? श्वेता जी ये जो आप कह रही हैं कांग्रेस की स्थिति ये क्यों हुई है? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ मायावती कब जाएंगे, क्योंकि आपने कोटा की बात उठाई ना सर। बहन जी जो है हमारी स्टेट यूनिट के प्रभारी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष कोटा गए और उत्तर प्रदेश में जो 20 मौतें इन सांप्रदायिक शक्तियों ने कर दी, जो इस नए काले कानून पर, वहां पर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुनकाद अली जी और हमारी लोकल टीम वहां पर गई, लेकिन मायावती नहीं गई। नहीं, बहन पार्टी में एक सिस्टम होता है, हाँ। बहन जी भी जाती है, ऐसा नहीं बहन जी नहीं जाती, मनोज तिवारी जवाब देंगे, मैं बहन जी भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लेकिन कोटा नहीं गई ना, कोटा तो नहीं गई। प्रदेश अध्यक्ष हमारे कोटा भी गए और प्रदेश अध्यक्ष हमारे उत्तर, उनकी तो सरकारी वहां बैठी हुई है और डेलीगेशन भी भेजा था। मैं कहूँ आपसे कि जो है नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, अमित शाह क्यों नहीं गए, सोनिया गांधी, मैं कोट नहीं करना चाह रही हूँ प्रियंका गांधी के बयान को, प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया था वहाँ पर क्या, तो उन्होंने बोला था कि डेलीगेशन गया है, जरा मैं नहीं बता रही हूँ सर, आप ही बताइए, या जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए? आपने पूछा प्रियंका से कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई, तो मैं पूछ रही हूँ मायावती क्यों नहीं गई, कब जाएंगी? आज प्रियंका गांधी जयपुर गई है एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में, आप ये बताइए ना सर कि मायावती कब जाएंगी? कोटा की दूरी कितनी? अरे आप उनका छोड़िए, प्रियंका गांधी ने आपके मायावती से पूछा, आप बताइए बहन जी कब जाएंगी? मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन मन की बात में जरा 100 से ज्यादा बच्चे पहले बीजेपी के शासन में मर गए और अब 100 से ज्यादा बच्चे मर गए। ये लोग धर्मवीर जी, ये लोग गरीबों के वोट लेते हैं, श्वेता जी 2022 करीब है, वोट लेकर के करीब है सर, पूंजीपतियों की गोद में क्लियर हो जाइए किस साइड जाना है। आज कोई किसी बड़े आदमी का बच्चा मर जाता तो ये सोनिया गांधी जी, प्रियंका फोकस कर रही है, आप मुख्यमंत्री गहलोत तुरंत जाते। आपसे मैंने सवाल पूछा मायावती कब जा रही है कोटा, आपने प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी हमारे बहुजन समाज पार्टी की टीम कोटा जा चुकी है, जब मनोज हमारी कोटा टीम जा चुकी है, बीएसपी की टीम जा चुकी है ना, तो कांग्रेस की टीम गई है कि नहीं पूछ लेते, फिर आप लोग प्रियंका के पीछे क्यों पड़े? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सोनिया गांधी गई, राहुल गांधी गए, फिर आपकी मायावती ना जाए, आपकी टीम जाए, और आप कहे सोनिया गांधी गई, राहुल गांधी गई, नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए, मनोज तिवारी, जेपी नड्डा गए, कौन गया बता दीजिए। मैं आपको एक चीज, देखिए आपकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ, नहीं मेरी कोई मजबूरी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मजबूरी आपकी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आप 3 में है ना 13 में है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, समाज पार्टी सुनिए, प्रदेश के साथ साथ देश की गांधी को नंबर की पार्टी है, मैं आपकी जानकारी ये बता दूं, का परचा है हमको पता है, समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी, बसपा उत्तर प्रदेश में अब उसका कोई जनाधार नहीं रहा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, नहीं ये हकीकत है, इस बात को धर्मवीर जी समझ लीजिए। अरे आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, अरे सुन तो लीजिए सर, अरे सुन लीजिए, अब जीरो पर आउट होने के बावजूद भी अगर आप धरातल तलाश रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लोकसभा में एक सीट भी आपको बहन जी के अरे धर्म मिली थी, अरे धर्मवीर जी सोनिया गांधी की सीट भी आपको, मैं बता रहा हूँ आपकी बात का जवाब देता हूँ, सुन लीजिए, अरे आप उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, मैं पूर्वांचल से ही आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपकी महारानी जो है, मैं महारानी इसलिए बोल रहा हूँ, आप बार बार कहते हैं गरीबों का बेटा 2000 करोड़ की महल में रहती है और वो महल के रहने वाली काम आसान कर देते हैं। जी आपने बोल दिया कि वो जयपुर क्यों नहीं जाती है, नहीं जयपुर नहीं, मैंने नहीं कहा कोटा, जयपुर कोटा क्यों जाएंगी भाई, वो तो महल से नहीं निकलती है, उनको सतीश मिश्रा जी को आके निर्देशित कर देंगी और इनके कार्यकर्ता जाते हैं, ये दलित नेता है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताता हूँ,
नहीं, लेकिन जो चैलेंज संबित पात्रा ने दिया वो कबूल करेंगे प्रियंका गांधी? श्वेता जी, वो कबूल करेंगे? आपने कहा ना, बोल चली जाएंगी। अरे सुन तो, अरे संबित पात्रा का चैलेंज कबूल करेंगी? बीजेपी का चैलेंज कबूल करेंगी? अगर अब जयपुरिया की थी, मैं बताता हूँ उस बात का जवाब, ये जवाब नहीं दे पा रहे। अफसर जेल में भी चला जाओ, आप अपना जवाब तो दीजिए। बीजेपी ने एक चैलेंज दिया है, चैलेंज क्या एक्सेप्ट होगा? तकलीफ को ये बचा नहीं पा रहे दीजिए। अब इनकी पूरी यूनिट कांग्रेस के साथ चली गई है। उत्तर प्रदेश में इनका कुछ है नहीं, दिल्ली में इनको कुछ मिलना नहीं। अरे सर, राजस्थान का दर्द तो समझिए बसपा का। आप प्रियंका जी, उनके लोगों को मिला लिया आपने, साफ कर दिया सर, कुछ तो दर्द समझिए। बसपा मुक्त हो चुका है तो इनकी तकलीफों को हम समझ सकते हैं। धर्मवीर जी, एक बात और मैं आपको जवाब देता हूँ, एक बात आपको समझना होगा। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया मनोज जी, मुझे जवाब दीजिए। क्या बीजेपी का चैलेंज, क्या मायावती का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे प्रियंका? चलिए संजीव कौशिक, अरे बताइए ना सर, हाँ या ना बोलिए ना, हाँ ना बोलिए ना मनोज जी, क्या बताइए, पूछिए। तब से पूछ रही हूँ सर कि क्या बीजेपी ने जो चैलेंज दिया है और क्या मायावती जो बार बार कहती आ रही हैं, तो क्या प्रियंका गांधी कोटा जाएंगी? देखिए, प्रियंका गांधी का कोटा जाना नहीं जाना, कांग्रेस वहां सरकार में है और हमारी पूरी जिम्मेवारी है, वहां कांग्रेस की पूरी टीम लगी हुई है। अब हम इनसे पूछ के थोड़ी अपना कार्यक्रम तय कर इस्तीफा लिया। प्रियंका गांधी को कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, चैलेंज डिनाइड। ओके, भाजपा थोड़ी बस इतना ही तो कहना था, इतना ही कहना था। संजीव कौशिक अभी जुड़े हैं, चलिए संजीव कौशिक अभी जुड़े, उनसे एक कमेंट लेंगे। मौत हुई तो मौत के पीछे जो है हमने पूरी संजीदगी दिखाई है, हम वहां काम कर रहे हैं, हमारी सरकार है। भाई आप मायावती जी के लिए, मायावती प्रधानमंत्री जी से आप मायावती जी के दल के आपके दल के वहाँ विधायक, ये सूप और छलनी वाला, ये सूप और छलनी वाला मामला होता जा रहा है। आप भी नहीं गए, आप भी नहीं गए, ना आप गए ना आप गए, लेकिन टीम को भेज दिया और उसके बाद राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद राजनीति कर रहे हैं। आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए? पहले आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मनोज जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, मनोज जी, काम कर रही है। दोनों में से कोई नहीं गया, चैलेंज डिनाइड। आपको यही तो कहना था, ना मायावती गई ना प्रियंका गई, और उसके बाद इसी में आप डिबेट को खींच लेना चाह रहे हैं, नहीं चलेगा। संजीव कौशिक, मनोज जी प्लीज। राहुल गांधी नहीं गए, धर्मवीर चौधरी अरे पूरी मीडिया ने दिखाया है। धर्मवीर जी, आप गए होते तो कुछ नया बोलते, अगर आप खुद कोटा विजिट करते ना तो कुछ नया बोलते, मीडिया की कही बातों को केवल ना दोहरा रहे होते। तो पहले खुद जाइए, फिर दूसरे को बोलिए। ये सूप और छलनी वाला केस मत कीजिए, सूप दूसता है छलनी को कि तुझमें कितने छेद, ये क्या बात हो गई सर? अरे जनता भी समझ रही है ना, तो प्रियंका जा रही है। अरे सीधे बोलिए ना कि चैलेंज डिनाइड, मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, बस बात खत्म। संजीव कौशिक प्लीज, अरे चैलेंज संबित पात्रा ने दिया ना, मैंने बोला, सुनिए, आपने बोला नहीं जाएगी सरकार है, हम डिसाइड और राजस्थान में जितनी समस्या हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। यूपी आएंगे, जयपुर जाएंगे, लेकिन कोटा नहीं जाएंगे। संजीव कौशिक बस, संजीव कौशिक, क्या लगता है कि यूपी की सियासत में प्रियंका कितना भूचाल लाएंगी? बुआ बबुआ की जोड़ी हो उसको प्रियंका कहां तक तोड़ पाएंगी, या बीजेपी के जो जनाधार है उसमें कितनी असेंध लगा पाएंगी? संजीव कौशिक, अगर आपने पूरा सवाल सुन लिया हो तो प्लीज प्लीज मनोज जी, प्लीज मनोज जी, हैव पेशेंस सर, बस 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 बस
बस बस बस अरे 2022 दूर है सर, दो साल अभी है सर, अभी वक्त है, पार्टी मंच पर बोलिएगा, अरे बोल लीजिएगा सर, जन सभाओं में बोल लीजिएगा सर, इतनी एनर्जी बचा के रखिए, एनर्जी बचाइए बचाइए। संजीव कौशिक हो गया सर, हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है सर, प्लीज मनोज जी, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और इतने उत्साहित हैं, वहां गई है प्रियंका, आप यहाँ उत्साहित हैं, अरे थोड़ा सा शांत हो जाइए, नोएडा अरे हाँ ठीक है ना, ठीक चलिए चलिए, अरे धर्मेंद्र जी प्लीज प्लीज, संजीव कौशिक आपने मेरा सवाल सुना या फिर से दोहराओ? सवाल दोहरा लीजिए जी, यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी कितना भूचाल ला पाएंगी, बुआ बबुआ की जोड़ी जो पहले थी, हालांकि अब तो कह दिया है कि सपा ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, तो कि उतना वहां कितना सेंध लगेगा, बीजेपी का जनाधार कितना घटेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अटैकिंग मोड पे, देखिए बसपा भी है, बीजेपी वंशवाद और रॉबर्ट वाड्रा का जिन भी अब कुछ दिनों बाद बाहर निकलने वाला है फिर। देखिए अभी यहाँ पे हमारे चौधरी जी बड़े भाई बोल रहे थे, असल में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के चीनों मिलों का गन्ना इस कदर इनके बसपा के मुंह में ठूस दिया है कि अभी भी उनके मुंह से कभी भी कांग्रेस के लिए मिठास भरी बात नहीं निकलेगी। देश की जनता ये समझ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से बहन जी सपोर्ट करती हैं, आप भी समझ रही हैं और हम भी समझ रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो मजबूरी ये है कि कांग्रेस कभी कभी अपने रणनीति में कांग्रेस फेल्योर हो जाती है, बड़े भाई की एक भूमिका और मजबूत भूमिका में यदि वो रहे तो वो भी शायद साथ लेके आगे चले, लेकिन कांग्रेस कम चुकती है, ज़्यादा वार करती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहन जी के ये जो यहाँ पे योद्धा बैठे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या अभी भी रणनीति यही है कि आप कांग्रेस से लड़ेंगे, आप इसी आपके इसी लड़ाई में तो भारतीय जनता पार्टी बैठ के रोटी सब खा जा रही है, अभी भी तो चेती है कम से कम। अब दिक्कत ये है कि बहन जी अपने वोट बैंक की चिंता कर रही हैं, लोगों की नज़र में यह है कि प्रियंका गांधी अपनी खोई हुई जनाधार को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं। मैं कहता हूं कि प्रियंका गांधी यदि जा रही है, अभी हम सुन रहे थे रास्ते में हमारे शिवम भाई भी बोल रहे थे कि बीजेपी एबीपीपी के बच्चों के तरफ यदि वो नहीं गई तो चुन चुन के किस बच्चों को किस तरह से वो उन्होंने डिनाई किया। साहब ये रंग भेद या भेदी वाली जो बात होती थी शुरुआत कहां से हुई है आप बताइए ना, आप तो देश के साथ नहीं, आप तो देश के साथ कर रहे हैं ना, देश के साथ आप पीड़ितों के नाम की बात करते हैं, आप पीड़ितों के नाम से तो आप देश के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अरे देखिए ना, चीज बताइए, जब आपको छात्रों से मिलने जाना है तो सबसे मिलकर आइए, चाहे वो एबीवीपी का हो, अब ऐसे करेंगे क्या? मतलब अच्छा ये एबीपी वाला लेटा हुआ बेड पे, इससे नहीं मिलूंगी, अच्छा ये आयशा वाला बैठा इससे मिलूंगी, ये कैसी राजनीति है भाई? और ये जो चैलेंज चैलेंज की बात हो रही है श्वेता जी, ये राहुल गांधी को अगर कंबोडिया का चैलेंज देते, थाईलैंड का चैलेंज देते तो वो एक्सेप्ट कर देते, राजस्थान कोटा वोटा नहीं जाते वो, कोटा जाने का उसका मन नहीं है, वो घूमने वाले व्यक्ति है, महीने में 5 बार जाते हैं, वो देश से बाहर जा सकते हैं, छात्रों से चैलेंज नहीं जा सकते। रही बात छात्रों की, देखिए अगर छात्रों से मिलना है तो सबसे मिलिए, एबीवीपी के छात्र देश के छात्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के छात्र नहीं है, मैं कहता हूँ आयशा के छात्र भी देश के छात्र हैं, एसडीपीआई के छात्र भी देश के छात्र हैं, लेकिन जब आप एक छात्र से मिलते हैं और एक से नहीं तो गलत है वो, गलत है वो, गलत है वो, आप कितना भी कहते रहिए गलत है वो। प्रधानमंत्री देश के 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, मनमोहन सिंह की तरह नहीं करते, माइनॉरिटीज ऑफ द फर्स्ट राइट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। अरे राजा लोग क्या समझेंगे कि 130 करोड़ का मतलब क्या होता है? आज यूपी पे आ जाएं, इनको क्या पता गरीबी का यूपी पे आ जाएं, ये राजा लोग यूपी पे आ जाएं, संजीव कौशिक इनको नहीं पता, गलत तार छेड़ दिया, इनको अपनी गलत तार छेड़ दिया, गलत तार छेड़ दिया, फिर बाहर संजीव कौशिक, आज यूपी की बात कर रहे हैं, आज पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, फिर बाहर प्लीज शिवम 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 अगर हिंदुस्तान मनोज जी पसंद नहीं आ रहा जी तो भैया बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। मनोज जी आपका जोश आज समझती हूँ, आपका जोश आज समझती हूँ, लेकिन प्लीज आज आज देखिए आज आज डिफोकस मत होइए, आज तो आपको मुद्दा मिला है मनोज जी, मनोज जी मनोज जी शिवम और मनोज जी एक सवाल पूछिए, सुन तो
लीजिए। मतलब जैसे सारे दलीय क्षेत्र मिलकर नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तुम भी मुझे दबा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? धर्म के आधार पर राजनीति बंद हो चुकी है। एक साथ बताइए, धर्म की राजनीति बंद हो चुकी है। राजनीति में आप नंबर वन हो। संस्कृत महाविद्यालय जीत गए हैं। आपने 5,000 सिखों को काट दिया दिल्ली में धर्म के आधार पर। संपूर्ण ने संस्कृत महाविद्यालय राजनीति अगर किसी ने की तो जीत गए हैं। हो गया, हो गया, कांग्रेस ने की। अरे लोगों ने राजनीति घोषणाकरण की राजनीति है तो बादशाह हो आप, चैंपियन हो गया, हो गया। प्लीज प्लीज मनोज जी, मनोज जी और शिवम, प्लीज 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 मनोज जी और शिवम, मनोज जी प्लीज प्लीज, ऐसे ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगी, ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगी मैं। प्लीज प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। फिर आप लोग बोलते रहिए सर, फिर आप लोग बोलते रहिए। मैं नहीं सवाल पूछती, मैं सवाल नहीं पूछती, मैं सवाल नहीं पूछती। आप लोग खुद कंटिन्यू रखिए। बहुत ही गंदा लग रहा है सर, बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है। प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज शिवम, मनोज जी बहुत ही गंदा लग रहा है, वाहियात लग रहा है, बहुत ही भद्दा लग रहा है सर, बहुत ही भद्दा लग रहा है। शिवम प्लीज, मनोज जी प्लीज, क्या लग रहा है सर? देखिए नहीं नहीं प्लीज, एक मिनट में किसी का कुछ नहीं सुन रही। ये क्या हो रहा है सर? किस ओर ले जा रहे हैं डिबेट को? ये किस ओर ले जा रहे हैं? प्लीज लेट मी आस्क, लेट मी आस्क, लेट मी आस्क फर्स्ट, शिवम प्लीज, शिवम प्लीज, शिवम प्लीज, शिवम 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 मतलब आदमी बोले तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप अपने आप में बोलते रहें, कुछ समझ में ना आए और यहाँ बोल के चले जाए बहुत संतुष्ट होके कि हमने बोल लिया अपनी पारी में? क्या सवाल पूछा एंकर ने, इससे कोई मतलब नहीं है? अगर इस तरह से तौहीन करनी है सर तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं प्लीज मनोज जी प्लीज, नहीं आप बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, नहीं मैं बैठी हूँ, अब बोलिए, अब सब बोलिए, अब सब बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आप नहीं बोलिए, बोलते रहिए। इनके नीचे कांग्रेस हो गया, हो गया, तैयार हूँ दो कांग्रेस नेताओं से लड़ने के लिए, हो गया, हो गया। कितना वक्त खराब कर दिया आप लोगों ने। ठीक है आप प्लीज बोलो, यही कांग्रेस लिख दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए यार, एक बार मन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ आए हैं, इनके मन की बात कर रहे हैं हम, ये फिर बोले कांग्रेसी नेता, रहे एंकर को बोलने दो भाई, इतना क्यों इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हो इतना? और कुछ बोलना है किसी को तो पहले बोल लीजिए। देश को दो ही पार्टियों ने बर्बाद किया है, कांग्रेस समाजवादी और बहुजन समाजवादी, सही कह रहे हैं। देश को दो ही पार्टियों ने बर्बाद किया है और इस डिबेट को भी दो ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस वाले। आप चुप्पी समझते हैं, कहते हैं सर कि कई बार ना चुप्पी बहुत, चुप्पी और खामोशी ना कई हजार शब्दों के बराबर होती है, लेकिन आप लोग चुप्पी और खामोशी भी नहीं, मतलब क्या बिल्कुल सर ये सोच बैठे हैं कि बस डिबेट में जाना है, चिल्ला चोट मचाना है, अपने पार्टी के प्रतिनिधि देख रहे हैं कि किसने कितनी देर तक किसको चुप करा दिया, यही करना है और चले आना है। एंकर ने क्या सवाल पूछा जरूरी नहीं, कोई भी पार्टी एक एक सवाल का जवाब नहीं दे रही है, ना जवाब पूरा होने दे रही है। जब मैं पूछती हूँ कि मायावती कब जाएंगी तो फलना ढिमका सारी पार्टियों की बात हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे। जब मैं पूछती हूं प्रियंका गांधी के जाएंगे तो इनके हिसाब से रखेंगे क्या? ये सीधे डिनाई कीजिए ना, लेकिन सीधे सवाल का जवाब नहीं आता। आप लोग सब एक दूसरे में बस पेच लगाने लगते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं तो मैं करूंगी, नहीं तो फिर अपना अपना टाइम ले लीजिए और आप पूछिए। नहीं आप पूछिए, आप लोग बोल लीजिए बीच में, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं बार बार रोकती रहूं रोकती रहूं रोकती रहूं, सवाल कहीं और का कहीं और चला जाता है। अगर मैं कंटिन्यू करी तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। प्रेम सर जिस तरीके से, खैर यहां तो क्या बोला ही जाए, क्या ये डर है कि कांग्रेस एक्टिव है तो नुकसान किसका? यूपी में अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, आपने कहा कि घाट से गुजरना वो इलाका किसका होता है, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है, तो अगर अपना रही है, एक्टिव हुई है कांग्रेस, तो इससे नुकसान किसका? ये डर है जो बीजेपी भी, वंशवाद और रॉबर्ट वाड्रा का जिन फिर से उठ जाएगा यूपी के मैटर को भी लेके, और डाइवर्ट करने की कोशिश की कोटा जाइए, और दूसरी तरफ बसपा जो है सपोर्ट करिए कि कोटा जाइए, ये डर है?
देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे कोटा का ही मामला क्यों ना हो, वहाँ पर जनता के साथ खड़े होकर के विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे, ये मौत रुके। चाहे ये बातें अब गुजरात और दूसरे प्रदेशों में भी आ रही हैं कि बच्चों की मौत हो रही है, कोई भी प्रो पीपल एक्टिविटीज होती है तो उसका सपोर्ट या उसका समर्थन या उसको बढ़ावा देने वाला काम होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सक्रिय हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है दूसरे को? प्रियंका गांधी, कांग्रेस वहां मजबूत भी नहीं है, प्रियंका गांधी को आप मानते भी नहीं कि इतना प्रभावशाली नेता है, तो करने दीजिए इतनी मेहनत। अगर उनका कोई जनाधार ही नहीं है तो वो जब पीड़ितों के बीच जाती है, वो जब बनारस जाती है, तो दूसरों को दिक्कत क्यों हो रही है? सारे लोग देखिए, छात्र नेताओं से मिलने की बात है, प्रियंका गांधी के अलावा कौन गया मिलने? बोलिए ना, अभी तो शिवम जी बोल रहे थे ना, उंगली उठा रहे थे कि प्रियंका गांधी एबीवीपी के छात्रों से नहीं मिले, घायल घायल में फर्क कर रहे थे। आप बताइए ना, एबीवीपी के छात्र अगर घायल थे तो उनसे बीजेपी का कौन नेता गया मिलने? इसका जवाब तो आप देंगे ना? तो ये प्रश्न है कि ठीक है, आपका सवाल जायज, अगर प्रियंका गांधी उधर भी चली जाती तो और बड़ी बात होती, लेकिन माहौल रखा है। माहौल तो आप कपड़े पहचानने की बात कर रहे हैं आंदोलनकारियों की, माहौल तो ऐसा है कि आप देखिए दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आ गई है, होना नहीं चाहती, पूरा का पूरा फोकस उनका यूपी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वहां अपना जनाधार बढ़ाना है। प्रियंका गांधी का फोकस निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश है, लेकिन वो सारे राष्ट्रीय मुद्दे भी फोकस में रहेंगे जिसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा। अगर जेएनयू में आंदोलन होता है तो कौन प्रदेश उससे अछूता रह सकता है? क्योंकि वो बुनियादी सवाल है, छात्र कहां नहीं है? देखिए वहां आंदोलन होता है तो क्या बीएचयू के बच्चे नहीं निकलते सड़क पर? तो प्रियंका गांधी उससे अछूते कैसे रह सकती है? प्रियंका गांधी जाएंगी फिर एम्स में घायलों से मिलने के लिए। इसलिए ये फर्क करना कि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहे, ये इस महीने में इस फर्क को भी समझने की जरूरत है कि वो चाहे जाति धर्म या सीएए का सवाल हो या कोई ऐसा सवाल जिससे उत्तर प्रदेश अछूता रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उन सारे सवालों को प्रियंका गांधी एड्रेस कर रही है और इसलिए सब जगह खलबली मची हुई है, इसके बावजूद कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। ये सही है, ये सही है कि विपक्ष खड़ा हो रही है और विपक्ष को कुचलने की साजिश चल रही है। विश्वेंद्र जी, ये जिस तरीके से जो बेस वोट बैंक की बात कर ले, तो मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये तीनों वोट बैंक थे यूपी में, बात कर ले 1984 के बाद धीरे धीरे घटते गए, 89 के बाद तो खत्म हो गए। तो जब इसमें सेंध लगेगी, इसीलिए सपा और बसपा की बौखलाहट है क्योंकि ये बेस बैंक तो उनका है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर भी लग रहा है कि शायद उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से ना हो क्योंकि सपा और बसपा का भी तो गढ़ रहा है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। जी श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कहा। उससे पहले मैं यहाँ एक बात कहना जरूर चाहूँगा, मेरे सभी साथियों से पैनलिस्ट से निवेदन है कि श्वेता जी के पर्सन को अच्छे से सुने और उम्मीद करता हूँ उनका अच्छे से जवाब देने की कोशिश करें। तेज आवाज में या दूसरे माहौल बना के उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एंकर है, एक उसकी गरिमा है और हमारी भी एक गरिमा है, वो बनी रहनी चाहिए, प्रार्थना ये। दूसरा विषय जो था उत्तर प्रदेश की बात और प्रियंका, निश्चित तौर पर बसपा और सपा को अपने अपने वोट बैंक को दिक्कतें होगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये देश के लिए बहुत अच्छा कदम है, देश की जनता के हित में है कि कम से कम प्रियंका घर से निकली और जनता के बीच गई, जनता के हित में बड़ा काम है ये, अच्छा प्रयास है। दूसरे नेताओं को निकलना पड़ेगा, आज चाहे वो सपा हो, बसपा हो या दूसरी कोई भी पार्टियां हो जो घर बैठी है, उनको भी बाहर मैदान में आना ही पड़ेगा। ये प्रियंका गांधी ने एक अच्छी शुरुआत की है, इससे कई फायदे होने वाले हैं जनता के, जनता का फायदा, दर्द बहुत सारे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे किसान आत्महत्या मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी मुद्दा हो, चाहे सड़क मुद्दा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तरह तरह की स्थिति आने वाली है। और सच्चाई तो पानी केरण को कैसे देखते हैं सर, मोदी वर्सेस प्रियंका या फिर कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी ये इच्छा भी जता चुके हैं कि सीएम जो हो यूपी का, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से हो, तो जो बात हो रही थी कि एक बड़ी पार्टी के रूप में उतरे, अगर उसको सत्ता में अकेले काबिज ना हो तो फिर कहीं ना कहीं साठ गांठ करके सत्ता में भागीदार बने, जो प्रेम जी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि प्रियंका उस ओर अग्रसर है? निश्चित तौर पर वो सोर अग्रसर हैं और अच्छा प्रयास कर रही है, विपक्ष भी जागृत होगा और सही लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में ये जरूरी भी है कि विपक्ष मैदान में मजबूत होना चाहिए। शिवम, आपको कुछ कहना है क्या? मैं आती हूँ, एक बार मैं संजीव कौशिक से ले लूँ, फिर मैं क्योंकि प्रेम जी ने भी बोला था तो आपने कहा था कुछ जवाब देंगे, प्रेम जी तो मैं आती पहले जवाब हाँ, नहीं, 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 मैं आ जाती हूँ, एक बार संजीव कौशिक से भी ले लूँ, फिर सबका जवाब दे लीजिएगा। संजीव कौशिक, ये जो संबित पात्रा ने आरोप लगाया कोटा चैलेंज,
बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं। और संबित पात्रा वाकई में जब बोलते हैं तो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन होना भी चाहिए, पार्टी का प्रवक्ता है तो। कोटा चैलेंज दे दिया, बीजेपी पर आरोप लगता आया है सर कि बीजेपी जो है ध्यान भटकाने की राजनीति करती है, तो क्या कोटा चैलेंज उसी का एक उसी वही एक स्ट्रैटेजी है कि ध्यान भटकाओ कि यहां से वहां क्यों नहीं गई, तो भटका दो क्योंकि यूपी पे फोकस्ड है प्रियंका, तो इन्हें कैसे भटकाया जाए। प्रधानमंत्री हटिया गए थे तो जमशेदपुर क्यों नहीं गए थे चुनाव प्रचार में, इसका जवाब कौन देगा? वो तय करेंगे, संबित पात्रा तय करेगा कि प्रियंका गांधी कहां जाए और कहां नहीं जाए, राजनीति की सीमा वो तय करेंगे। सवाल यह है कि आप बार बार, यही हुआ था शुरुआती दौर में, कांग्रेस पार्टी कभी कभी फंस जाती है इस ट्रैप में, यही हुआ था पिछले इलेक्शन में कि राहुल गांधी ने जब मंदिर में जाना शुरू कर दिया तो मंदिर में जा रहे हैं हिंदू है मुसलमान है, जनऊ निकाल के दिखा दिया, ये देखो जनऊ दिखा रहा है। तो आप इस ट्रैप में मत फंसिए, आपको जहां करना है, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, पार्टी का मुखिया अपना एजेंडा तैयार करता है और उसके हिसाब से वो चलता है। आप कौन होते हैं हमें चैलेंज देने वाले? आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए ना, जहां काम करना है वहां काम कीजिए। आप सीधी सी बात है कि डाइवर्ट करने की बात जहां हो रही है, किसी एक क्षेत्र की बात है, यदि प्रियंका गांधी यदि उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और जिन इलाकों में सक्रिय है, जाहिर सी बात है सबको जानता है कि एक बार में प्रियंका गांधी यूपी फतह नहीं करने जा रही है, निश्चित तौर पे एक बेस बनाने की जरूरत है और हो सकता है कि कुछ अच्छे मजबूती के साथ वो किले को ढाहने के लिए कहीं ना कहीं सेंध लगाना तो जरूरी है ना सर। तो ये एक शुरुआत है, लेकिन बार बार इनको अब यूपी से निकालने की बात हो रही है और कोशिश यही जारी है कि किसी तरह से ये यूपी से बाहर निकले और किसी और ट्रैक। प्रियंका की सक्रियता को देखकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये फिर से ध्यान भटकाने की कोशिश कोटा की राजनीति? देखिए हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल स्ट्रेट है, हम जैसे पहले इलेक्शन लड़े थे बिल्कुल उसी तरह से इलेक्शन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्राध्यक्ष तक चुनाव में जाता है। आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने की बात करें, अरे लंदन जाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं भाई, जब आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, दिल्ली में घूम रहे हो, स्टूडेंट से मिल रहे हो, तो कोटा भी घूमा, वो आप ही का राज्य है, ध्यान भटकाने की राजनीति। अरे हमने कौन सा उनके टिकट करा दिए कि आप कहीं और चले जाओ, हम कह रहे हैं इसी देश में बिल्कुल, जब आप इस देश में पीड़ितों से मिलने जाते हो तो सबसे मिलिए, एजेंडा सिर्फ यही है, सबसे मिलना है आपको जरूरी, आपको सबसे मिलना चाहिए। और एक और संजीव कौशिक जी, रैली में और पीड़ित परिवार से मिलने में अच्छा है, बनारस से नहीं कर रहे, लेकिन आपका जनाधार है ना, गहरी राजनीति पर चलिए और हमको नहीं डर रहे, आपका जनाधार जीरो है, कांग्रेस कभी होती थी राष्ट्रीय पार्टी, अभी हालत खराब है, 50 टोटल सीट है आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास 302 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की यूनिट बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता ने बारंबार ये मान लिया है, जवाब दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुष्टिकरण बंद कर दीजिए, कोटा जाएंगे नहीं, जेएनयू जाएंगे, विश्वेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सक्रियता देखते हुए, प्रियंका की सक्रियता देखते हुए, अन्य पार्टियों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? विश्वेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट बहुत शॉर्ट में, बस मुझे शो खत्म करना है, सर मुझे शो खत्म करना है प्लीज। विश्वेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी कि अन्य पार्टियों की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये बौखलाहट की जगह अगर अन्य पार्टियों उन बिंदुओं पर ध्यान दे जो सक्रियता से कहीं ना कहीं डरी नजर आ रही है, क्या होना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी है कि उन बिंदुओं पर ध्यान दें जो जनता हित के सच्चाई मुद्दे हैं। मैं जो कह रहा था पहले वो अधूरा रह गया, बीच में साथी बोल पड़े कि पानी, आज पानी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में ऐसी स्थिति है, वो पानी नहीं जहर बन चुका है, वो पानी पिया जा रहा है, ये मुद्दे उठने बहुत जरूरी है। वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो विपक्ष का, उसको मैदान में आए और वो इस प्रकार के मुद्दे लाए ताकि झुकना पड़ेगा सत्ता को, ये जरूरी है, लोकतंत्र में उसका जरूरी अधिकार है विपक्ष का, वो लाए। रही बात कोटा की बात है तो विपक्ष भी वहां पहुंचे वीरेंद्र जी, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन यहाँ तो सारे जितने भी चाहे प्रियंका जी हो चाहे दूसरे लोग हों वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जो दुखी में तो पार्टी राजनीति नहीं करेगी, दुआ सर तो कौन करेगा, तो सभी राजनीति कर रहे हैं अपने जमीन, अरे राजनीति से कहीं ना कहीं देश का समाज लोगों का फायदा हो जाए बस इसकी उम्मीद रखते हैं। चलिए आप लोग काम नहीं करते हैं तो दूसरा विकल्प भी आएगा ऐसा मुझे लगता है, आभास दिख रहा है। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ है, चर्चा को यहीं खत्म करूंगी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, पॉजिटिव नोट के साथ अपने शो को खत्म करती हूँ। तो पॉजिटिव नोट यही है कि राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, आप समझिए कि कौन आपके हित की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं विकल्प होना भी बहुत जरूरी है, तो विकल्प अगर आपके सामने है तो आप देखिए कि इनका काम तो है सियासत करना लेकिन आपका फायदा जो पार्टियां ज्यादा कर रही है उन्हें चुने, उन्हें समझे और फिर उसी को अपना विकल्प चुने। इसी पॉजिटिव नोट के साथ
साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूं। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।